नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुमित रावल और मैं आजकल मुंबई के टूर पे हूं। इस समय बसई जगह पे हूं। यहां पर हम लोग एक रोड साइड ढाबे की वास्तु करने आए हैं। तो आप देखिए कि इंडस्ट्रियल वास्तु कैसे होती है। नॉर्थ ईस्ट में यहां पर टॉयलेट है जो कि फैटल है, अच्छा नहीं है। साउथ वेस्ट में पूरा एक तालाब बना हुआ है जिसके अंदर वाटर स्टोरेज है, वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पर है और लैंडस्केपिंग भी वाटर से ही हो रखी है। एक झरना बह रहा है साउथ वेस्ट में। तो दोनों के कॉम्बिनेशन किसी भी संस्था को नीचे लाने के लिए काफ़ी है। उस पर करेला नीम चढ़ा। नॉर्थ ईस्ट में एक लाइफ किचन बनाई हुई है। नॉर्थ ईस्ट में जब जब लाइफ किचन होती है तो वो भाग्य को प्रॉब्लम करती है। साथ साथ हम नॉर्थ में किचन देखते हैं, यहाँ पर नॉर्थ की किचन पैसे को कमी करती है और जो बर्तन मांजने की यूटिलिटी है बर्तन धोने की, वो साउथ ईस्ट में है। तो जहाँ पर जो जो वास्तु दोष है वहाँ चुन चुन कर रखा गया है। अगर हम इनको रिमूव करते हैं किसी भी तरह से, तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज सजेस्ट करी हैं कि किस तरह से हम बिना टोड़े फोड़े से शिफ्ट करें, साउथ वेस्ट की वाटर बॉडी को कैसे कट करें, नॉर्थ की किचन को हम कैसे एनर्जी से साउथ ईस्ट में शिफ्ट करें और साउथ ईस्ट की वाटर बॉडी को नॉर्थ में कैसे लेकर आएँ, उससे इन्हें निश्चित रूप से बहुत सारा लाभ होने वाला है। स्पेस बहुत अच्छी है, इट्स एन ग्रेट एम्बियंस, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ क्लाइंट्स कम है, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इन्होंने ओके किया है। नेक्स्ट टाइम जब इसका वास्तु करूँगा तब भी आपसे मुखातिब होऊंगा। थैंक यू सो मच।